अरे पीछे हटो उसका। गाड़ी में
आज जो धरना चल रहा है हैदरा के कानून के खिलाफ, आवाम रोडों पे निकल के चुपकी है। जब तक आवाम का जो मायदा है, अगर उनके घर के बराबर घर दिया जाएगा या उनकी ज़मीन के बराबर उनको अमाउंट दिया जाएगा, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA कारपोरेटर्स को मिल के धरना देंगे रोडों पे, आवाम को सहूलत देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा बीच में रहती है। इन तकलीफात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वर्कर, हर कारपोरेटर रोड पे आ चुका है। जब तक आवाम के जो घर जा रहे हैं नदी के अंदर, अगर हुकूमत उनके मुआवजा आवाम के हिसाब से अगर नहीं देंगी, तो हम जब तक धरना बराबर करते रहेंगे। आवाम को जो सहूलत देना है बराबर देंगे। आवाम अगर जो चाहे, जिसका घर जा रहा है, अगर उन्होंने हुकूमत से जो डिमांड करे, हुकूमत जो डिमांड को मानना पड़ेगा। अगर वो हुकूमत डिमांड नहीं मानेंगी, तो हम रोडों पे जब तक धरना देते रहेंगे। मजलिस के कारपोरेटर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर, हर वर्कर, हर गली गली, कुचा कुचा धरना देकर हुकूमत को मनाएंगे। जब तक अगर हुकूमत नहीं मानेंगी, हम भी रोड से नहीं उठेंगे। आवाम को जो तकलीफ हो रही है आज गवर्नमेंट से, वो तकलीफ दूर होना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के बीच में रहकर काम करती है। ये तो घरों का मसला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोगों की जिंदगियों का मसला है, लोग आस में बैठे हुए घरों की। और आज जो तकलीफ हो रही है घरों के बारे में, CM के कानून जो निकाला है हैदरा का, इसके खिलाफ आवाम बराबर रोड पे रहकर धरना देंगी। आवाम का जो डिमांड है, हुकूमत को मानना पड़ेगा। जब तक हुकूमत नहीं मानेंगी, हम जब तक रोड पर रहकर धरना बराबर देंगे। यहाँ तक कि हमको जेल को जाना है तो जेल को भी जाएंगे, और कुछ मुश्किल उठाना है तो आवाम के लिए हम बराबर मुश्किल उठाएंगे। क्योंकि हैदराबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहती है, बेबाक निकल कर वोट देती है। उनका एहसास है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, क्योंकि वो आवाम बारिश नहीं दिखती वोट डालने के लिए, ना धूप देखती है, ना कोई तकलीफ देखती है। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कईयों साल से हैदराबाद में जिता रही है, तो इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर आवाम के बीच में रहकर काम करेंगे और हुकूमत को बराबर मानने लगेंगे। जो आवाम का डिमांड है, जिस चीज़ के घर जा रहे हैं, उनको बराबर डिमांड बराबर होना है। वो डिमांड नहीं होगा हुकूमत की तरफ से, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स, हमारे कारपोरेटर्स और जो मजलिस इत्तेहादुल के वोटर्स है, बराबर रोड पर ठहर कर धरना देंगे और बराबर हुकूमत को सुनना पड़ेगा आवाम की बात।